नमस्कार मेरे सभी देवी और सज्जनों का। दोस्तों मैं ऐसे ऐसे व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल कि आप सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, और अगर अगर खुश ना हुए ना तो देख लियो। देखो दोस्तों, मुद्दा यह है कि व्लॉगिंग में क्या हमें पूरा दिखाना पड़ता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है हमारे साथ, किस टाइम क्या चल रहा है। तो बस व्लॉग को लाइक कर देगा, वरना ये दोस्तों बस आप दोस्तों आपको खरीदोगे, आपसे क्या कहूँ। ओके हेलो दोस्तों, एक लौंडा मारेगा ऐसी शायरी कि लाइक करने पर मजबूर हो जाओगे। तो लौंडे शुरू हो जाओ, जैसे मैं कैमरा चेंज करूं शुरू हो जाना, ठीक है। तो देखे लौंडे को मेरे दोस्त, ये है हेमंत। जब मैं कहूँ कि देखकर गुलाब का फूल, ये कह गया टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे एक तरफा मोहब्बत यारो, उसे ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। लौंडे भाई, ये लौंडे ने जो बात की है ना, लाइक करो फॉलो करो, जय बाबा जी। देखो भैया, बिल्कुल सही बात, ये सरकारी नौकरी वालों ने हमसे प्यार, इज्जत, शौहरत, मान सम्मान सब छीन दिया। छीन दिया ना, क्या कर रहे हैं सरकारी नौकरी वाले, लड़की छीनने में दिल जले आसको से। इस लौंडे की बात सुनकर छोटी शायरी मेरे मन में भी आ गई के पढ़ाई के लिए किताबें नहीं है, बाबा बाबा, पढ़ाई के लिए किताबें नहीं है, कमाने के लिए पैसा नहीं है, बाबा बाबा, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, वाह वाह, घर में आने के लिए छोकरी भी नहीं है, और लोग कह देते हैं कि युवा क्यों परेशान है। अरे युवा तो परेशान होगा, ये सरकारी नौकरी वाले तो उड़ा ले गए सारी लौंडियों को, और इस जैसे लौंडे यहाँ पर यहीं से ही बैठे रह गए, सिर्फ कुर्सियों पर बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करते रह गए। भाई मुद्दा है, देखो सरकारी नौकरी देखो अच्छी चीज है, लेकिन हमारी थोड़ी इज्जत करो।